हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सैफ्राम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एज यू नो, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाइफ्स एंड देयर यूजेज के बारे में। ओके, हम अपने किचन में काफी तरह के नाइफ यूज करते हैं। हम जब भी फ्रेशर होते हैं, वो टाइम में एक कन्फ्यूजन रहता है टाइप्स ऑफ नाइफ्स एंड देयर यूजेज को लेकर। अगर आप फ्रेशर हो और फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड हो तो आपको ये पता होना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में 11 बेसिक नाइफ्स एंड देयर यूजेज के बारे में बात करेंगे। और फर्स्ट है सेफ नाइफ। ये सेफ नाइफ जो होता है, एक मल्टीपर्पज नाइफ है। इस नाइफ से हम चॉपिंग, स्लाइसिंग, डाइसिंग से लेकर सब कटिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसका लेंथ होता है अराउंड 6 to 14 inch। ओके, सेकंड है यूटिलिटी नाइफ। इस नाइफ को मिनी सेफ नाइफ के नाम से भी जाना जाता है और इसका लेंथ होता है 4 to 7 inch। और इसका लेंथ कम होने के कारण इससे जूलियन, स्लाइसिंग, मिंसिंग जैसे कटिंग करने के लिए काफी इजी एंड कंफर्ट भी होता है। और ज्यादातर इसको सॉफ्ट वेजिटेबल कट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नंबर थर्ड है बोनिंग नाइफ। बोनिंग नाइफ का जो ब्लेड होता है काफी शार्पर, थिनर एंड फ्लेक्सिबल होता है। और इस नाइफ को बोन से मीट को सेपरेट करने के लिए, यानी कि बोनलेस करने के लिए किया जाता है। और इसका लेंथ होता है 3 to 8 inch। ओके, फोर्थ है फ्लेट नाइफ। फ्लेट नाइफ को स्पेशली फिश कटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। और ये जो फ्लेट नाइफ और बोनिंग नाइफ सिमिलर होता है, बट जो फ्लेट नाइफ का ब्लेड होता है वो बोनिंग नाइफ से काफी लाइटर एंड फ्लेक्सिबल होता है। और इसका यूज फिश को स्लाइस और फ्लेट करने और बोन को रिमूव करने के लिए किया जाता है। और इसका लेंथ होता है करीब 6 to 11 inch। ओके, नंबर फाइव है पेरिंग नाइफ। पेरिंग नाइफ को पीलिंग नाइफ के नाम से भी जाना जाता है। और इस नाइफ को ज्यादातर ऑनियन, गार्लिक का स्किन पील करने के लिए किया जाता है। और ये नाइफ स्मॉल स्लाइस कट करने के लिए और गार्निश के लिए काफी यूजफुल रहता है। और इसका लेंथ होता है 3 to 4 inch। ओके, नंबर सिक्स है क्लेवर नाइफ और बुचर नाइफ, जिसको हम चॉपर के नाम से ज्यादा जानते हैं। इस नाइफ को ज्यादातर लार्ज पीस ऑफ बोन्स कट करने के लिए यूज किया जाता है। और इस नाइफ से हम चॉपिंग, स्लाइसिंग, मिंसिंग जैसे और भी कटिंग कर सकते हैं। और इस नाइफ का लेंथ होता है अराउंड 6.5 inch to 7.5 inch। ओके, सेवेंथ है ब्रेड नाइफ। इस नाइफ को ब्रेड कट करने के लिए और ब्रेड को स्लाइस करने के लिए किया जाता है। ये नाइफ ज्यादातर बेकरी सेक्शन में यूज किया जाता है, जहाँ पर केक, पेस्ट्रीज बनता है। इस नाइफ का लेंथ होता है अराउंड 7 to 10 inch। ओके, नंबर एट है स्लाइसिंग नाइफ। जिस नाइफ को लार्ज पीस ऑफ मीट और पोल्ट्री को स्लाइसिंग करने में किया जाता है। ये नाइफ काफी फ्लेक्सिबल भी होता है और इसका जो टिप होता है वो राउंडेड होता है। ओके, और इसका लेंथ होता है अराउंड 8 to 14 inch। ओके, नंबर नाइन्थ है नाकिरी नाइफ। ये जो नाकिरी नाइफ होता है, ये एक जैपनीज नाइफ है और इसको वेजिटेबल्स कट करने के लिए यूज किया जाता है, लाइक चॉपिंग, स्लाइसिंग, डाइसिंग एक्सेट्रा। और इसके डिजाइन के कारण ये नाइफ दूसरे नाइफ से काफी सेफर भी माना जाता है। और इसका लेंथ होता है अराउंड 6.5 inch। नंबर 10 है सुशी नाइफ। ये जो सुशी नाइफ होता है, ये भी एक जैपनीज नाइफ है और इसका जैपनीज नेम है सासिमी बोचो। और इसका यूज जैपनीज कुजिन प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है, यूजली फिश एंड सी फूड्स के लिए। ये काफी शार्प एंड लॉन्ग नाइफ होता है और ये काफी कॉस्टली भी होता है। इसका लेंथ अराउंड 7 to 12 inch होता है। नंबर 11 है किचन शेयर्स। ये जो किचन शेयर से हम इसको फ्रेश हर्ब्स एंड वेजिटेबल्स लीफ कट करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए ये भी एक नाइफ की कैटेगरी में आता है। दीज आर द 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइफ्स एंड देयर यूजेज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।